हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्यूशन नज़र में। दोस्तों, बांधकाम कामगार सेना की ओर से बांधकाम कामगारों के जो पेंडिंग पड़े हुए काम हैं, जो बहुत दिनों से पेंडिंग में है, जैसे फॉर्म रिन्यूअल करना, क्लेम के लिए एप्लीकेशन या और भी बहुत सारे काम, ऐसे कामों को पेंडिंग ना रखे, इसलिए इचल करंजी में 26 अगस्त 2022 को बांधकाम कामगार सेना की ओर से मोर्चा निकाला गया है। क्या है पूरा अपडेट, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बांधकाम कामगार सेना तरफ मोर्चा 26 अगस्त 2022। बांधकाम कामगार सेना तरफ मोर्चा बांधकाम कामगाराची प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याची मागणी इचलकरंजी, तारीख 26 अगस्त 2022, हातकणंगले व शिरोळ तालुक्यातील अनेक बांधकाम कामगाराची कामे प्रलंबित आहे। कार्यालयास विनंती करूनही कामे करण्याची तसदी घेत नाही, परिणामी बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे। त्यामुळे सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत, यासाठी महाराष्ट्र बांधकाम कामगार सेनेतर्फे शाहू पुतळा ते ताराराणी पक्ष कार्यालयावर मोर्चा काढला। मागणीचे निवेदन आमदार प्रकाश आवडे वो प्रांताधिकारी डॉक्टर विकास खरात यांना दिले। इचलकरंजी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या अधिकार क्षेत्राखाली शिरोळ व हातकणंगले तालुक्याचा समावेश आहे। यामध्ये सुमारे 20,000 बांधकाम कामगाराची नोंद आहे, मात्र कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीमुळे 1 वर्षापासून प्रकरणे प्रलंबित आहे। त्यामुळे बांधकाम कामगारांना घरकुल, मुलाच्या शिक्षणासाठी असलेल्या योजना, मूर्त योजना असे अनेक लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे। तसे बांधकाम कामगाराचे रिन्युअलचे फॉर्मही 8 महिने तपासले नाहीत, फॉर्ममध्ये विविध कारणे दाखवून त्रुटी काढत आहेत। त्यामुळे आमदार सहाय्यक कामगार आयुक्त लेबर ऑफिस शॉप इन्स्पेक्टर BOC चे कर्मचारी व सर्व कामगार संघटना यांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रलंबित कामे 15 दिवसाच्या आत पूर्ण करावीत, असे निवेदनमध्ये नमूद केले आहे। शिष्टमंडळात पुंडलिक जाधव, राजेंद्र निकम, राहुल दवडते, सद्दाम मुजावर, सूर्यकांत लोंढे, सोप्रिल बिरजे, सचिन बिराजे, इम्तियाज शेख, जाकिर नाईकवाड़े आदि उपस्थित होते। दोस्तों, बांधकाम कामगार से रिलेटेड जितने भी काम हैं, ये काम 15 से 20 दिनों में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार की ओर से जो भी स्कीमें निकलती है, वो सभी स्कीमें गरीब बांधकाम कामगारों को मिल जाएगी। दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो इसलिए बनाता हूँ, कोई भी गरीब बांधकाम कामगार किसी भी स्कीम से वंचित ना रहे, इसी मिशन को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं और यही मेरा मिशन है। और इस मिशन में मेरा जो भी साथ देना चाहता है वो मुझे सपोर्ट करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे। और आप सभी की क्या राय है मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। और आखिर में ये कहूँगा, आप भी खुश रहिए और अपने पूरे परिवार को भी हमेशा खुश रखिए। थैंक यू।